नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती का पाठ 9 सोई मेरी छौना रे का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबके आंसर मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, ये जो पाठ के शुरू में ही एक क्वेश्चन है कि यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो, ठीक है, तो इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को दिया है। फिर आगे जितने भी प्रश्न हैं, ये देखो यहाँ पे खोजबीन मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। पहले इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके मामा का घर सोचिए कि सचमुच चांद पर होता तो आप क्या क्या करते हैं। यस, आप लोग छुट्टियों में जाते हो मामा के घर पर, है ना, बहुत मस्ती करते हो। तो अगर आपके मामा का घर चांद पे होता तो आप चांद पे जाके कितनी मस्ती करते, तारों को देखते और न जाने क्या क्या, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करो क्या क्या करते अगर मामा का घर चांद पे होता तो। चलो बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मतलब अगर सच में मेरे मामा का घर चांद पे होता तो मैं क्या क्या करती। वैसे आप लोग भी यही लिखोगे मेरे ख्याल से। देखो क्या दिया है, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो बहुत आनंद आता, है ना, बहुत मजे की बात होती। सचमुच में मामा का घर अगर चांद पे होता तो चांद पर जाकर हम रात भर सितारों को देखते और ठंडी हवा का आनंद लेते। सही बात है, है ना, सितारों को देखते रहते। अभी तो नीचे धरती पर से देखते हैं वो सितारे कैसे टिमटिमाते हैं, और सचमुच का चांद पर पहुँच जाते तो सितारों को ही देखते रहते। रात में यान में बैठकर आसमान की सैर करते, सितारों को दोस्त बनाकर उनके साथ खेलते, है ना। ये सारी चीज़ें आप करते कि नहीं अगर सचमुच में चंदा मामा का घर, अगर आपका घर चंदा मामा चांद पे होता तो। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर। अब बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पे है ये देखो नीचे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। नीचे आओगे ना तो ये प्रश्न है कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम महिलाओं की सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाओ। मतलब क्या, देखो बच्चों जो महिलाएँ हैं भारतीय महिलाएं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे से काम किए हैं। ठीक है, तो उनके ना आप मतलब जानकारी भी आप लोगों को बतानी है कि इन्होंने क्या किया है, और उनका चित्र भी आप लोगों को चिपकाना है। तो देखिए बच्चों आप लोग ये चित्र चिपका सकते हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कुछ महिलाओं को मतलब कुछ महिलाएँ महिलाओं के नाम लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहली महिला कौन है, किरण बेदी। ठीक है, ये कौन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। ठीक है, भारत में पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी, तो किरण बेदी जी बनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी महिला यहाँ पे बात करेंगे बछेंद्री पाल की। ठीक है, तो ये कौन थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, भारतीय, भारत की। उसके बाद अगले कौन है, तो सावित्री बाई फूले, तो ये कौन थी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। सोचिए हमारे भारत की महिलाएं कितनी महान हैं। उसके बाद है सुचेता कृपलानी, ये कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद लास्ट में है अभी एक और महिला है, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और उसके आगे यहाँ पे कल्पना चावला, तो इनको तो कौन नहीं जानता। ये कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, भारतीय, प्रथम भारतीय मतलब सबसे पहली बार भारत से अगर कोई महिला अंतरिक्ष में गई थी तो वो कौन थी, कल्पना चावला। ठीक है, और उनकी मृत्यु भी हो गई थी जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये कुछ महिलाएँ हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मैंने समझा, तो मैंने समझा तो आपके पाठ में मतलब पाठ जब आते हो तो ये नीचे एक क्वेश्चन होता है ना मैंने समझा। तो बच्चों देखो ये जो आपका कविता था सोई मेरी छौना रे, ये पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, कुछ ना कुछ तो समझा होगा ना, इससे कुछ ना कुछ तो समझा ही होगा आपने, क्या समझा। तो देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा है कि प्रस्तुत कविता में माँ की ममता को दिखाया गया है, है ना। ये जो सोई मेरी छौना है वो अपने बेटी को कैसे सुलाती हैं, है ना, एक माँ अपनी बच्ची को किस तरह प्यार दुलार करती है, इस कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है, है ना। आपने जब ये कविता पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जो माँ है वो अपने बेटी को कितने प्रेम से सुलाती है, उसको लोरी सुनाती है, जैसे आपकी भी मम्मी सुनाती होंगी आप लोगों को, है ना। अब आगे आते हैं तो स्वयं अध्ययन, इसमें क्या दिया है कि अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए चार काव्य पंक्तियाँ लिखो। अभी ये प्रश्न कहाँ पर है, देखो बच्चों यहाँ पर है ये प्रश्न, ये देखो यहाँ पे
अपने परिवार के लिए, परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए, यानी कि परिवार में आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति हो उसके लिए आप लोगों को काव्य पंक्तियाँ लिखनी है, चार ही, ज़्यादा नहीं, यानी कि एक कविता लिखनी है बहुत ही मतलब आप जैसे दर्शाना चाहते हो कि वो आपको बहुत ही प्रिय है, वो इंसान जिसके बारे में भी आप ये कविता लिखना चाहते हो। ठीक है, तो माँ के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। भोली सी प्यारी सी मेरी माँ, सबसे अनोखी सबसे निराली मेरी माँ, बरसा कर ममता की बारिश, पूरी कर देती हमारी हर ख्वाहिश, भोली सी प्यारी सी मेरी माँ। ठीक है, अगर आप लोगों को घर में और कोई प्रिय है, पापा प्रिय है, तो उनके बारे में कविता लिख सकते हो। अगर आपको दीदी भैया कोई भी प्रिय है तो उनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने तो माँ के बारे में लिखा। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर आप आओगे ना, तो क्या है कि भाषा की ओर, अभी इसमें क्या है, अच्छा ये प्रश्न कहाँ पर है वो भी दिखाते चलूँ मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे ये इसका प्रश्न है, ये देखो क्या करना है आप लोगों को, हिंदी मराठी के समोच्चारित शब्दों के अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। ठीक है, समोच्चारित शब्द, चलो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताती हूँ, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, समोच्चारित शब्द, जैसे कि कल है, तो कल को मतलब मराठी अर्थ क्या होगा, प्रवृत्ति, हिंदी अर्थ क्या होगा, बीता हुआ या आने वाला कल, है ना, आने वाला दिन। जैसे अगर हम कल बोले, ठीक है, तो कल मतलब ये बीता हुआ कल भी हो सकता है और आने वाला कल भी हो सकता है ना, हिंदी में, मराठी में प्रवृत्ति। सही, ठीक है, सही तो हिंदी में क्या हो सकता है, ठीक, और मराठी में अर्थ क्या हो सकता है, स्वाक्षरी, है ना। उसके बाद खोल, तो खोल मतलब हिंदी में होगा आवरण और मराठी में उचट। फिर आई, ठीक है, आई मतलब हिंदी में अगर आप बोलोगे, आई मतलब आना होता है कि नहीं, आई मतलब आना होता है, लेकिन मराठी में क्या हो जाता है, आई मतलब माँ, माता। परत, परत मतलब परत यानी, अच्छा हिंदी में देखो परत मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तह करना, परत उसकी, ठीक है, लेकिन मराठी में क्या हो जाएगा, पुनः, है ना, परत कर, ऐसे मराठी में बोलते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, तो उसका मतलब क्या होता है कि पुनः, मतलब फिर से, ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, तह होता है। ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या है, सुनो तो ज़रा, तो ये प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ये है, नीति परक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। आपको क्या करना है, दोहे सुनना है और फिर उनको सुनाना है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ दोहे लिखे हुए हैं कबीरदास जी के, बिहारी जी के और रहीम दास जी के। तो पहला दोहा यहाँ पे क्या है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, ये दोहा किसका है, कबीरदास जी का है। दूसरा दोहा है बिहारी जी का, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। ये बिहारी जी का है। रहीमदास जी का दोहा देखोगे तो यहाँ पे है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ दोहे, आपको सुनना है, सुनाना है, बताओ तो सही। अब ये वाला प्रश्न कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है ये वाला प्रश्न, बताओ तो सही। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा, बताओ। अगर आपकी मम्मी एक दिन छुट्टी ले ले, ठीक है, जैसे वो रोज काम करती है, उन्होंने एक दिन बोला कि चलो आज मेरी छुट्टी है, आज मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, तो आपके घर में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो मेरे घर में क्या क्या हो सकता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आपके घर में अगर आपकी मम्मी कुछ काम ना करे, वो एक दिन छुट्टी पे चली जाए, तो क्या क्या हो सकता है आपके घर में, बताओ। चलो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो या फिर अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो माँ प्रत्येक परिवार की सबसे अहम कड़ी और सदस्य है, है ना, सबसे अहम कड़ी है और सदस्य है परिवार की। सबसे अहम सदस्य कौन होती है, माँ ही होती है, क्योंकि वही सबकी देखभाल करती है ना। माँ दिन भर घर और परिवार की देखभाल में लगी रहती है, उनको और कुछ काम होता है क्या, नहीं, वो दिन भर हमको ही संभालती रहती है, है ना। आप स्कूल जाते हो तो आपको तैयार करती हैं, आपको टिफ़िन देती हैं, फिर आपके आपके जो भी ज़रूरत होती है उनको वो पूरा करती हैं, तो वो दिन भर तो आपकी ही देखभाल में लगी रहती हैं। वह साल के 365 दिन काम करती हैं, है कि नहीं। जैसे अभी आपके स्कूल की छुट्टी रहती है संडे को, लेकिन जो आपकी मम्मी होती हैं, क्या उनके उनकी छुट्टी होती है संडे के दिन, नहीं, वो पूरा साल भर 365 दिन काम करती हैं, कभी भी छुट्टी नहीं लेती हैं। यदि किसी दिन माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा, पूरे घर की साफ सफाई नहीं होगी, पहली बात तो यही होगा ना, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये भी किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये कौन सी यहाँ पे आएगा बच्चों,
थोड़ी सी गलती हो गई, आप लोग प्लीज़ ठीक कर लेना। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है किसी को भी पता नहीं चलेगा। सब कैसे हो जाएंगे बच्चों, परेशान हो जाएंगे, कोई भी समय से अपने काम पर नहीं जा पाएगा। सही बात है ना, हमें समय पर खाना पीना भी नहीं मिल पाएगा, खाना पानी भी नहीं मिल सकेगा, है कि नहीं। अगर माँ को छुट्टी दी जाए तो खाना कौन बना के खिलाएगा आप लोगों को, बोलो बोलो कौन बना के खिलाएगा, है ना। तो अगर माँ को एक दिन की छुट्टी दे दी जाए तो किसी को भी खाना पानी नहीं मिल सकेगा। चलो अभी आगे चलते हैं मेरी कलम से। इसमें क्या दिया है कि नियत विषय पर भाषण तैयार करो, नियत विषय पर आप लोगों को भाषण तैयार करना है, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे उत्तर में क्या है, मनुष्य की नियत बदलती रहती है, मनुष्य को अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखनी चाहिए, अच्छी नियत अर्थात अच्छी सोच ही जीवन में सफलता दिला सकती है। कभी कभी व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, मनुष्य को अपनी नियत साफ रखनी चाहिए, है ना। कभी कभी हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने का सोच लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आप इस तरीके से लिखना, पहुँचाता, ठीक है। ऐसे हिंदी लिखने में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। चलो ये तो हो गया, उसके बाद क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो इसमें पहली पंक्ति क्या है, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही हैं चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ। ये प्रश्न कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पे है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये जो कविता है ना आपकी, ये जो पंक्तियाँ हैं इसको पूरा करना है। आगे का दिया है, पीछे का दिया है, बीच का नहीं दिया है, तो बीच का आप लोगों को खुद से लिखना है। तो क्या लिखोगे, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही हैं चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ। दूसरा यहाँ पे है कि मेरा सुखन होना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू, तू सोए और गाऊँ मैं। अब यहाँ पे अगला आता है, सदैव ध्यान में रखो। क्या सदैव ध्यान में रखना है बच्चों, देखो इसके आगे ना, ये तो पंक्तियाँ वाला हो गया ना, अभी सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है कि जीवन में माँ का स्थान क्या है, असाधारण है, ठीक है। वो साधारण नहीं है, असाधारण है। तो देखो इसी के बारे में मैंने कुछ लिखा है, माँ के बारे में ही आप पढ़ो, एक बार समझ आएगा आपको। क्या दिया इसमें, देखो बच्चे का जन्म होता है तब सबसे पहले वो अपनी माँ को देखता है, माँ की गोदी उसकी सारी दुनिया होती है, इसीलिए बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। माता ही संतान की पहली गुरु होती है, बच्चे को चलना उठना बोलना सब उसकी माँ ही सिखाती है। सब दुख दर्द सहकर भी माँ अपनी संतान की भलाई में लगी रहती है, संतान की बेहतरी के लिए वह अपना सब कुछ त्याग देती है, इसीलिए जीवन में माँ का स्थान क्या है बच्चों, असाधारण है। समझ में आया। आगे यहाँ पे क्या है, देखो विचार मंथन। तो विचार मंथन इसके नीचे है बच्चों, देखो यहाँ पे विचार मंथन, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है विचार मंथन, क्या दिया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी क्या है, महान है। मनुष्य को जन्म देने वाली उसकी माँ और जिस भूमि में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका सदा मान रखना चाहिए, उसके समक्ष स्वर्ग के सारे सुख भी ना के बराबर होते हैं। हमें अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है कि अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्तों नातों के नाम। देखो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, देखो इसका उत्तर ना मैंने नहीं दिया है, ये आप लोगों को खुद से करना है, आप लोग कर सकते हो बच्चों। देखो क्या करना है ना, जो आपका परिवार है इसका वंश वृक्ष तैयार करना है, ठीक है। जैसे दादा लिखोगे, फिर दादी लिखोगे, ठीक है, और फिर इनके बेटा बेटी, कैसे ऐसे वृक्ष बनाते हैं ना, कैसे ऐसे चार्ट के जैसा बनाते हैं वैसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है। वृक्ष में अपने उनके जो बच्चे हैं, दादा दादी जी के जो बच्चे हैं उनको दिखाना है, कितने बेटे कितनी बेटियाँ, फिर उनके कितने बेटे कितनी बेटियाँ, ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। अभी ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो वंश वृक्ष तैयार करते समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम सबसे पहले और सबसे छोटे सदस्य का नाम सबसे आखिर में लिखें, ठीक है। जब आप वंश वृक्ष तैयार कर रहे हो तो जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है ना उसका एकदम ऊपर नाम लिखना और सबसे नीचे सबसे छोटे वाले का नाम लिखना। अगर आप सबसे छोटे हैं तो आप अपना नाम लिखिएगा। छात्र वृक्ष वृत्त चौखट किसी भी प्रकार की आकृति पर वंश वृक्ष तैयार कर सकते हो। देखो बच्चों आप किसी भी प्रकार की आकृति का उपयोग कर सकते हो, चाहे तो ऐसे गोला वाला यूज़ करो, चाहे तो ऐसे चौकोर वाला यूज़ करो, आपकी मर्जी। आगे यहाँ पर है कि जोड़ो हमें, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप टेक्स्ट बुक से मिलाते जाओ, ठीक है। ये चित्र देख करके आपको समझ आएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है,
कि पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों में संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे जो पेड़ के पत्ते हैं इस पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, तो इनसे आप लोग को क्या करना है, संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे क है ना, तो क का संयुक्त अक्षर शब्द क्या हो सकता है, चक्कर टक्कर। त का पत्थर चित्कार, देखो इसमें त आ रहा है। स का क्या हो सकता है, मनुष्य। म का चम्मच, ट का लट्टू, फ का रफ्तार, थ का तथ्य, व का अव्वल, हृदय का ह का हृदय, प ठप्पा, ठीक है, प का ठप्पा और प्यास। फिर ग का झुग्गी बग्घी, फिर घ का, देखो यहाँ पे घ का विघ्न, द का द्वार, ड का लड्डू, ठ का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो आपका पाठ था, पाठ 9 सोई मेरी छोना रे, इसका प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।